अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अभी रात के 12 हो रहे हैं और रात को 12 बजे मोहसिन ने मुझे बिल्कुल तंग किया है और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाईजान मेरी गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब हो गया, मुझे लगता है तो आप फटाफट कुछ करें मेरे लिए। टोयोटा में ऑटो इंडस्ट्री में बंदे का काम करने का यही नुकसान होता है कि जब जिस टाइम गाड़ी ख़राब हो बंदा उसी टाइम उसी को याद करता है, तो भाईजान ने मुझे याद कर लिया। मैं तो सो रहा था, शक्ल देख सकते हैं आप जो हाल हो रहे हैं इस टाइम। तो मैं टोयोटा में काम करता हूँ और मेरे पास है भी करोला, तो मैंने कहा चलें जी अब करोला के कुछ पार्ट्स वगैरह जो है मैं रखता हूँ अपने पास लाजमी, तो इसके लिए मैंने फ्यूल पंप भी रखा होता है अपने पास। तो जी मैं फ्यूल पंप उठाया है और फ्यूल पंप उठा के जी बरकत मार्केट के अंडर पास में भाई साहब की गाड़ी ख़राब हुई हुई है, तो अब मैंने ये फ्यूल पंप उठाया है और ये चाइना का वैसे फ्यूल पंप होता है और इसको जो है ये बेसिकली है डेंसो का बना हुआ। तो मैंने कहा भाईजान का फ़ायदा करवाएं, क्योंकि जी हम लिबर्टी राउंड अबाउट पहुँच गए हैं इस टाइम और बिल्कुल पास ही रह गया मोहसिन, इससे आगे बरकत मार्केट का अंडरपास है। तो जी हम अंडरपास में पहुंच गए हैं, ये सामने अंडरपास है जी, जाते हैं और देखते हैं कि जी मोहसिन साहब कर क्या रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही इसकी, तो भाई जान नज़र आ गया मुझे ये बंदा किधर खड़ा है, तो अब जाते हैं इसके पास और देखते हैं कर क्या रहा है। तो जी वो गाड़ी खड़ी है इसकी सामने, लग तो यही रही है। हाँ ये पीछे से भी कवर आगे जी भाई जान, ये तो कोई और था ये तो मोहसिन था ही नहीं, तो एक और गाड़ी आगे खड़ी हुई है बंद, तो वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है जी। तो मज़ा आ गया जी किसी और बंदे की, तो वो लग रही है मोहसिन की गाड़ी, एक और गाड़ी ख़राब खड़ी हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये मोहसिन की गाड़ी है कि नहीं है। हाँ जी जी यही है जी गाड़ी, हाँ जी पहुँच गए जी। तो जी ये देखें जी ये लोग खड़े हुए दोनों और अब देखते हैं जी क्या सीन। तो जी मोहसिन की गाड़ी खड़ी हुई है, बंदे को देखते हैं किधर है ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप इस टाइम बिल्कुल लाइव आ रहे हैं। देखो क्या हुआ यार, चल गया है? चला है कि नहीं चला भाई? ये देखो यार, चलो इसको पंप ठीक है, तुम तो कह रहे थे पंप खराब है। कोई हाल नहीं यार इसका भी, वैसे देखो यार फ्यूल पंप बिल्कुल ठीक था, मुझे ऐवी मुसीबत में डाला, इतनी दूर से फ्यूल पंप लेकर मैं इसके पास आया हूँ और फ्यूल पंप बिल्कुल ठीक निकला है। आप भैया क्या कह रहे हो यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप जरा तुम्हें जरा दोबारा समझाना भाई जान। जब आपकी फोन पे बात हो रही थी लाइट बंद कर, अच्छा जब लाइट वो बात हो रही थी तब हमें कंफर्म नहीं था ये फ्यूल पंप और उसका ग्राउंड नहीं जा रहा, फ्यूल पंप उठा नहीं रहा। ठीक है मैं जाके टेस्ट ले आया हूँ। फ्यूज तो सड़ा हुआ है ना बीच में, अरे यार तुम एक दफा जरा सारे फ्यूजों को तसल्ली से चेक कर लेते, क्या मसला भाई जान? आप क्या करते हैं यार मोहसिन यार क्या करते हैं? मैं एक मिनट सर ब्लॉग में आना बनता है यार मैं तेरी गाड़ी ठीक कर दी है उधर भी क्या काम किया मैं बड़ी चाचू की कितनी, जरा एक मिनट दिखाई जरा मैंने। चलो चाचू बंद कर दो, मेहरबानी चाचू थोड़ी बहुत। मोहसिन की जो है वो गाड़ी अपनी को हो गई है और अपने अपनी गाड़ी में से देखने लगा होगा कुछ फ्यूज बचा पड़ा होगा तो मैं इसको दे दूँ, नहीं तो इसको कोई फर्क देखता हूँ कोई फ्यूज पड़ा हुआ। तो मैंने अपनी गाड़ी खोली है। सर क्या हुआ है आपको? अब आप ही मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं, अब आपको क्या हो गया है? यार तुझे किसने कहा था डबल इंडिकेटर चला? हाय हाय, भाई साहब का भी कोई हाल नहीं है, एक घंटे से डबल इंडिकेटर चला के बैठे हुए थे। लो जी एक का मसला खत्म नहीं होता, दूसरा मसला शुरू हो गया है चाचू यार। तो अभी तक तो भाई साहब आए नहीं है, देखते हैं गाड़ी चेक करने गए हैं, मैंने कहा जाके चेक करके आओ कि चल रही है कि नहीं चल रही। हेलो मोहसिन की कॉल आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, हाँ जी चल गई है चेक लाइट खत्म? चलो ठीक है यार, चलो ओके अल्लाह हाफिज। तो क्लोजिंग किसने करनी थी? आके मिल के जाओ, चल निकल जाए यार फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो जी व्यूवर्स बड़ा अच्छा हो गया मोहसिन, तो मैंने कहा कि एक राउंड लेकर आ गाड़ी अपनी का और देख के गाड़ी तेरी सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो राउंड लेकर आया, उसने कहा जी गाड़ी मेरी ओके चल रही है, तो कहता मैं वहीं से निकल रहा हूँ।
تو بھائی صاحب نکل گئے اور میں بھی اب نکل رہا ہوں اور لبرٹی کے پاس ہوں اور پیاس بہت سخت لگ رہی ہے. بھائی صاحب نے تو پانی بھی نہیں مجھے پوچھا, تو اب میں دیکھتا ہوں کہیں رکتا ہوں, کوئی پانی شانی لیتا ہوں, نہیں تو کوئی فریش جوس پیتا ہوں. فریش جوس پی کے تو پھر آگے نکلتے ہیں. تو مجھے فریش جوس ملے گا لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے مل جائے گا, اور مجھے فریش جوس مل جائے گا مین مارکیٹ سے. مین مارکیٹ میں شاید اس ٹائم بند ہو. میک ڈونلڈس کا جو ہے ٹیک وے کھلا ہوا ہے, دیکھتے ہیں. بونجور ہے سامنے, دیکھتے ہیں کہاں سے کیا ملتا ہے, کچھ پی کے جاؤں گا اب گھر. تو جی میں ویورز اب مین مارکیٹ آیا ہوں اور مین مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی جوس والا اس ٹائم کھلا ہوا ہے تو اسے جوس پی لیتے ہیں. ویسے کھلا تو ہوتا ہے, مین مارکیٹ ساری رات ہی کھلی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یہاں سے. تو جی ویورز ابھی چاچو میرے پاس آئے تھے اور چاچو کو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا اس کا جوس لا دے سیب کا, تو اور سیب کا جوس پی کے پیتے پیتے گھر چلتے ہیں. سامنے سے آ رہے ہیں, یہ یہاں کے بڑے مشہور اور پرانے چاچو ہیں. میں چاچو بتا رہا تھا, میں کہ یہاں کے بڑے مشہور اور پرانے چاچو ہیں ہمارے, یہ ہیں بڑی پرانی چیزیں لیتے ہیں ہم آپ سے. چاچو کتنے پیسے ہو گئے؟ چاچو آپ کا نام کیا ہے؟ چونسال برکت علی. چونسال ہو گئے یہاں پہ برکت علی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بابا برکت. ہاں بالکل ایسے ہی ہے چاچو. ایک منٹ رکنا. لیکن چاچو کو اب ہم نے دے دیے پیسے, 250 روپیہ چاچو نے بنایا تھا, اور چاچو کا نام ہے چاچو برکت, برکت مارکیٹ. اور یہ لے لیا جی میں نے اپنا جوس, اور ہاں جوس اچھا بنایا یار ان لوگوں نے, اچھا بنایا. تو جوس بڑا مزیدار ہے. تو جی آپ لوگ بھی سب اپنا خیال رکھیے گا, میں جوس پیتا ہوں, آپ بھی انجوائے کریے گا. نیکسٹ بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے ویورز, ٹیک کیئر. چلیں شکر آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں ٹیکنیشین بھی ہوں. کبھی آپ لوگوں کو میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتائیے گا, میں آپ کی گاڑی ٹھیک کرنے آؤں گا. اگر نہیں ہوئی تو پھر ٹیوٹا سے کوئی ٹیکنیشین لے آؤں گا. اللہ حافظ.